अभी हम लोग इससे पहले थे औसत मान, यानी कि एवरेज वैल्यू, औसत मान कैसे निकलता है, लेकिन अब जानेंगे फॉर्म फैक्टर यानी कि फॉर्म फैक्टर कैसे निकाले, किसी भी वेव का किस तरह से निकाला जाता है। तो पहले जो अल्टरनेटिंग करेंट के आरएमएस मान, यानी जो अल्टरनेटिंग करेंट का जो आरएमएस मान होगा उसका अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। यानी कि जो ये अल्टरनेटिंग मान होगा, अल्टरनेटिंग करेंट जो है, ये जो वेव निकल रहा है इसका जो आरएमएस मान होगा वही क्या है, औसत मान है। जैसे कि इसका आरएमएस मान है 0.1, ठीक, आरएमएस मान इतना है, लेकिन औसत मान कितना है 0.637, ये इसका वैल्यू होता है, औसत मान का वैल्यू। इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, वही निकल जाएगा कितना में, औसत मान का वैल्यू फिक्स रहता है। हाँ, ये फिक्स रहता है, ये घट बढ़ सकता है, लेकिन इसका एक निश्चित मान होगा, इतना ही होता है। जैसे कि औसत मान दे दिया, कह रहे हैं हमको एवरेज निकालिए, तब ये प्रूफ करना है। अब कह रहे हैं फॉर्म फैक्टर के, यानी कि जो फॉर्म फैक्टर किससे सूचित किया जाता है, के से। तो फॉर्म फैक्टर के बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एम एस मान बटा औसत मान, यानी कि आर एम एस वैल्यू बटा एवरेज है। यहाँ पर एवरेज वैल्यू लिखा जाएगा, एवरेज है। तो आरएमएस मान कितना, आरएमएस मान का वैल्यू कितना होता है 0.767 मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम है, और इसका क्या होगा 0.637 मैक्सिमम। जब इसको कट करेंगे, यानी कि जब इससे इतना डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या होगा 1.11 आ जाएगा आपका आंसर। ये क्या आया, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू। हाँ, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आया, ये क्या आया 1.11, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आया।